संत कबीर नगर में सघन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलने वाले बुलेरो से लगभग 7 लाख की अवैध शराब के साथ दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। शहर कोतवाली खलीलाबाद के टेमा रहमत चौराहे पर सघन चेकिंग के दौरान पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चल रहे बुलेरो ट्रक से 180 पेटी अवैध शराब के साथ पुष्पेंद्र अहिवार हरियाणा निवासी एवं दिलीकेश कुमार जो मूल रूप से गोरखपुर के स्थायी निवासी हैं, जो हरियाणा में रहकर अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा दे रहा था। पुलिस ने दोनों के पास से लगभग गाड़ी समेत 7 लाख की अवैध शराब 2140 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया और अवैध शराब कारोबार में जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुट गई। पूरे मामला का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ब्रजेश सिंह ने बताया कि हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के साथ कारोबारी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बिहार खेपने के लिए शराब ले जा रहे थे। साथ ही गाड़ी का ओरिजिनल नंबर प्लेट भी गाड़ी से पुलिस ने बरामद किया। वहीं पुलिस ने शराब और गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया। पुष्पेंद्र और विल्केश ये क्रमशः मूल रूप से मध्य प्रदेश के, इनमें से एक छतरपुर का रहने वाला है, दूसरा गोरखपुर के हजपुर बुढ़ाट का रहने वाला है। ये लोग हरियाणा में अपना हाल पता बना लिए थे, वहाँ से कांटेक्ट करते थे, हरियाणा से बोलेरो में शराब लाद के लेके चले हैं। 180 पेटी शराब, कुल 8640 सीसी शराब बरामद हुई है इनके कब्जे से। ये पूरी कार्रवाई थाना खलीलाबाद क्षेत्र में कांटे चौकी क्षेत्र में बीती रात की गई है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। संबंधित बोलेरो गाड़ी में जो नंबर प्लेट जिसका यूज कर रहे थे ये लोग, मिलता जुलता नंबर प्लेट था, फर्जी था, ओरिजिनल नंबर प्लेट भी गाड़ी में मिला हुआ है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दो लोग और जिनसे संबंधित माल है और वाहन है उनकी तलाश की जा रही है। पूछताछ पे ये ज्ञात हुआ कि हरियाणा से माल चल के बिहार जाता है जहां इसको कंज्यूम किया जाता है।